सच्चू भाई बायोपिक, ऐसी बायोपिक जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पैसों को संभालने के लिए जी रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक लड़का 18-20-22 साल का लड़का अपने शासन को क्या देते हैं, चलो देखें जर्नी ऑफ बच्चों भाई। अरे आशीष, हम कब जूनागढ़ पहुंचेंगे? कल दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे, रात को आराम करके परसों सुबह बस गिरनार की यात्रा। सोचो दोस्तों क्या माहौल होगा, पहाड़ों के बीच अपने नेमिनाथ दादा का मंदिर, स्वर्ग का अनुभव होगा। हाँ यार, अब इंतजार नहीं हो रहा है, बस अब जल्दी से पहुंचना है और हो सके तो कल ही यात्रा कर लेंगे। हाँ कल, पर हम कल ही तो पहुंचेंगे और इतनी थकान वाली जर्नी के बाद ऊपर चढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। हाँ इट्स इम्पॉसिबल, परसों ही हम जाएंगे। नहीं, मेरे मन की लगाम अब मेरे बस में नहीं, मुझे नेमिनाथ प्रभु के दर्शन करने हैं। इस पावन तीर्थ की महिमा बहुत सुनी, कल साक्षात परमात्मा से मिलना है। अरे पर ठीक है छोड़ो, हम कल इसके बारे में बात करेंगे, चलो अभी सो जाते हैं। हे प्रभु, आज इस पावन तीर्थ की स्पर्शना कर हमारा जीवन धन्य हो गया। हे नाथ, ये मैं क्या देख रहा हूं, ऐसी दशा अपने तीर्थ की? हाँ यहाँ सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। सही है, ठीक है चलो आगे चलते हैं, हमको दर्शन ही तो करने हैं। अरे पर ऐसे कैसे? चलो ना यार। ये क्या कर रहे हैं आप, मंदिर के प्रांगण में बीड़ी, हर जगह हो क्या रहा है? ये अपनी तीर्थ भूमि है, इस पावन तीर्थ की ये हालत, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? जहां देखो वहां कचरा ही कचरा, यहाँ भक्ति में पुजारी बीड़ी पी रहा है और वहां वो टूरिस्ट लोग, छी बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। सुन शांत हो जा, हमें भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अब जल्दी दर्शन और पूजा करते हैं और चलते हैं, हमें स्टेशन भी पहुंचना है। अरे इसे लेके चलो, नहीं तो ये इधर ही खड़ा रहेगा, चलो। अरे बेटा क्या हुआ? माँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, लगता है तू बहुत थका हुआ है, चल लेट जा। माँ। हाँ क्या हुआ बच्चू, आ इधर आ, कई दिनों से देख रही हूँ, इतना परेशान रहता है, खोया खोया रहता है, क्या हुआ है बेटा? माँ कुछ बात करनी थी। बोल ना बेटा। माँ मुझे गिरनार जाना है।
गिरनार, पर पिछले हफ्ते ही तो तू जाके आया है। हाँ माँ, मुझे वापस जाना है। पर हुआ क्या है बेटा? माँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब करना है बहुत कुछ। समझी नहीं बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना। बोलो, कब जाना है तुझे? कल। कल ही? हाँ माँ, कल ही। और हाँ, इस बार जाने का टाइम फिक्स है, आने का नहीं। आने का नहीं? मतलब? मतलब इतना ही कि मैं अपने तीर्थ और दादा नेमिनाथ की सेवा करना चाहता हूँ। प्लीज माँ, मना मत करना। अरे बेटा, कौन सी माँ अपने बेटे को अच्छे काम करने से रोकेगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि तू तन मन धन से शासन की सेवा करे, भले ही वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ये माँ जिन शासन की माँ है, आपका लड़का 10 मिनट स्कूल से लेट आता है ना, तो आप 10 बार रस्ते में देख लेते हो कि मेरा बच्चा क्यों नहीं आया। ये जिन शासन की माँ, वंदन करो इस माँ को। बच्चों भाई क्या कह रहे थे मालूम है? 7 दिन से 10 दिन से सो नहीं पा रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा 10 दिन से तो सो क्यों नहीं पा रहा है? माँ, गिरनार जाना है, क्योंकि गिरनार जाता है ना, गिरनार की हालत कैसी थी देखकर। हम भी तीर्थ में जाते हैं, लेकिन बस वहाँ देखकर आ जाते हैं, ये डिस्टर्ब हो गए। माँ से कहा, माँ गिरनार जाना है। बेटा तो अभी तो जाकर आया है। माँ, अब जीवन गिरनार को देना है। उस समय जाने की डेट फिक्स थी, आने की डेट फिक्स थी। इस बार जाने की डेट फिक्स है, आने की डेट फिक्स नहीं है। शासन की माँ को, माँ को वंदन करो। अरे शासन की माँ है, संसार की माँ नहीं है। संसार की माँ तो अपना स्वार्थ देखती कि अगर तू चला जाएगा तो मेरा कौन संभालेगा, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। ये माँ वैसी नहीं थी। इन्होंने, इस माँ ने आंखों के सामने बच्चों को तो रखा ही, लेकिन बच्चों के साथ गिरनार को अपनी आंखों के सामने रखा। बच्चों भाई गिरनार पहुंच चुके हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों भाई को गिरनार में जाकर क्या क्या तकलीफ होती है, हम आगे देखेंगे। अच्छा भाभी, मुझे खिचड़ी बनानी है, बोलिए कैसे बनाऊं। हाँ ले लिया, चावल भी ले लिया। हाँ दाल भी डाल दी है। नमक कितना डालूं भाभी? अच्छा, अब कुकर बंद कर दूं? ओके, हाँ ओके, हाँ ओके भाभी, टाइम देख लिया मैंने, 10 मिनट बाद ना। हाँ ठीक है। पुजारी जी, हाँ, यहाँ बहुत कचरा है इधर तो। हाँ तो आपके पैरों में लग गया है क्या? उधर पानी है, साफ कर लो। मेरे पैरों में नहीं लग रहा, लेकिन ये साफ तो होना। साफ? साफ क्या मतलब? हम सब ये अगर साफ कर ले तो व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए मिलकर करते हैं। ओ भाई, साफ क्या करना है, साफ करेंगे तो भी कचरा तो होगा ही, तो छोड़ दो। हाँ, पर ये तो हमारा कर्तव्य है ना, कि हम अपने तीर्थ को साफ रखें। अरे बोला ना, नहीं होगा, इतना ही फिगर है तो अपने आप कर लो। ऊंचा ऊंचा रे
गढ़ गिरनार ने मणि पताका ओ लहराए कण कण शोभे गढ़ गिरनार ने मणि पताका ओ लहराए ऊंचा ऊंचा गढ़ गिरनार ने मणि पताका बस अब इसकी आदत डाल दो। यार बच्चों कहाँ है तू? तेरे बजाय यहाँ सब कुछ सुना सुना सा हो गया है। तेरी यादें बहुत सता रही है। आजा दोस्त आजा। शासन को समर्पित करना चाहता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, क्या कहना चाहता है तू? माँ मैं संयम लेना चाहता हूँ पर आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। अरे बेटा घर में नहीं जाना।
जिंदगी गिरनार को दी, अपनी जिंदगी गिरनार को दी, सबको संभाला, पुजारी को संभाला। आज गिरनार में जो अभिषेक होता है ना दादा का, आप कभी गिरनार जाओ तो एक बार 9 बजे से पहले दादा के दरबार में पहुंचना। वो जो अभिषेक होता है ना, ढोल नगाड़े सब बजते हैं, वो बच्ची भाई ने शुरुआत करवाई थी। आज भी वो अभिषेक देखने के लिए देवता लोग भी तरसते होंगे। देवता लोगों को भी वो सौभाग्य नहीं मिलता जो मेरे गिरनार को अभिषेक करने वाला को मिलता है। आज नवानु शुरू हो गया, आज तो 500-500 लोग नवानु करते हैं। हम गिरनार को 7 साल नहीं दे सकते, हम गिरनार को अपना साल में एक बार गिरनार जाए इतना तो करें। चलो बच्चों भाई का क्या हुआ, आगे दीक्षा के लिए उन्होंने माँ से परमिशन ले ली कि मुझे दीक्षा लेनी है। माँ ने परमिशन भी दे दी। आप सोचो वो हाँ भी हो गया, लेकिन उनका पुण्य भी इतना जोरदार था। अब जो प्रसंग आने वाला है, मुझे अभिषेक सच्ची घटना है। अभिषेक महाराज अपने पास वो शाम को प्रतिगमन करके वापिस गिरनार जाने के लिए, सूरत से जाने के लिए जा रहे थे। सामने बाइक में जा रहे छूटने के लिए कोई स्टेशन पर, वो लड़का आदमी, उसको मालूम नहीं कि पीछे बच्चू भाई बैठे हुए हैं। उसको लग रहा है मैं किसी को छोड़ने जा रहा हूँ। महाराज साहब ने कहा, महाराज साहब ने नाम नहीं बताया था। तो क्या होता है बच्चू भाई का पुण्य, जो गिरनार की सेवा करता है ना निर्दोष, उसका क्या पुण्य होता है, अगले सिंह नाम देते हैं। और भाई किधर जा रहे हो? जूनागढ़। अरे वाह, वहाँ बच्चू भाई को जानते हो? अरे क्या मस्करी कर रहे हो, बच्चा बच्चा जानता है बच्चू भाई को। कौन सी दुनिया में रहते हो, बच्चू भाई को नहीं जानते? गिरनार में कहाँ? ऊपर दादा के पास। मतलब बच्चू भाई अरे आप मेरी स्कूटर में मेरे साथ हो। मेरे स्कूटर पावन हो गया, मैं तो धन्य हो गया, मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। आप एक मिनट रुकिए, अब मैं जो करूंगा ना उसको रोकेगा। अरे क्या कर रहे हो, नहीं होता है ये सब। अरे मैंने कहा था ना मुझे रोकना मत। ये बच्चू भाई का पुण्य था। बीच रास्ते की सूरत के गलियों में, इस सूरत के रोड पर छोड़ने वाला एक भाई, जब मालूम पड़ता है कि पीछे बच्चू भाई बैठे हुए हैं, लोगों के सामने रोड के प्रति प्रतिज्ञा देता कि मैं धन्य हो गया, मेरा स्कूटर धन्य हो गया कि मैंने बच्चू भाई मेरे पीछे बैठे हुए। ये निर्दोष पुण्य था बच्चू भाई का। मोबाइल का शौक, व्हाट्सएप की दुनिया, फेसबुक की दुनिया हमारी उम्र के ही है, उनकी भी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा वो मुन्ना दादा से प्यार करते थे। और जब मुन्ना दादा से उनको प्यार हुआ, अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी बच्चों भाई ने। आज से 5 साल पहले दीक्षा भी ले ली। आज बच्चों भाई हेम शेखर विजय जी महाराज साहब के नाम से जाने जा रहे हैं। हेम शेखर विजय जी आंखों के सामने। बहुत कम लोगों को दादा के दरबार में दीक्षा लेने को मिलती है।
बच्चू भाई की दीक्षा दादा के दरबार के वहां हुई थी, तो आज बच्चू भाई यहाँ से बच्चू भाई जा रहे हैं, हिमबल्लभ महाराज साहब की यादें सब जा रही है। हमारे हृदय में हमेशा बच्चू भाई रहे, हमारे आइडल सलमान खान नहीं हो, हमारे आइडल ये दिन शासन के सितारे हो। जय 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 जय